हेलो दोस्तों, वेलकम टू कला बाजार। और आज हम लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी का डेकोरेशन। अरे नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं पिछले समय में। तो हमने शुरुआत यहाँ से की, एक योजना के साथ, जैसा कि हम हर बार करते हैं। और इस बार विहान हमें बता रहा है कि ऐसे गणेश चतुर्थी के लिए डेकोरेशन करना है। हमें ये जानना होगा कि हम क्या लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एक प्लाईवुड को काट कर एक मंदिर का शेप, जो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बनाया है मंदिर का शेप। और ये जो बच्चे हैं, ये बहुत उधम कर रहे हैं। क्यों? ये तो बच्चे ही जानते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से प्लाई को लगा दिया और हम इंतजार कर रहे हैं कि अब इस पे कलर करेंगे और इसके अलावा पूरा बैकग्राउंड बेस तैयार करेंगे। बैकग्राउंड बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बहुत सारे फ्लावर्स और अलग अलग लाइट्स। अब की बारी बैकग्राउंड सजाने की, और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं पिंक कलर का पेंट, क्योंकि पिंक कलर हमारा थोड़ा सा फेवरेट कलर है और ये हमारी मूर्ति के साथ भी मैच करेगा, साथ ही साथ हमारे बैकग्राउंड के साथ भी। तो इस तरह से हम फटाफट ये कलर करने में लग जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कितनी रफ्तार से कलर कर रहे हैं। यदि आप भी इसी रफ्तार से कलर करेंगे तो आपको भी कम समय लगेगा। कलर होने के बाद हम पहुंच जाते हैं डेकोरेशन की दुकान पर। आज हम गणपति जी के डेकोरेशन का सामान लेने आए हैं। तो इस तरह से हमने डेकोरेशन के अलग अलग सामान को देखा और उसके बाद हम वापस रुक ले लेते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पर विहान अपनी पसंद से पसंद करता है कि वो क्या चाहता है, और उसने चुनी है ये पिंक कलर की माला है। अब फटाफट दुकान वाले भैया इसको पैक करके दे देते हैं और हम दुकान से निकल जाते हैं। तो ये हम निकलते हैं दुकान से बाहर, और बाहर निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं वापस अपने घर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पिंक कलर कर दिया और पीछे हमने हमारा एक लिप्पन आर्ट पीस लगाया है जो हमने बहुत पहले बनाया था। तो इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं एक बैकग्राउंड की तरह। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने अब वीजु फूल खरीद कर लाए थे बाजार से, उनको बड़े अच्छे से यहाँ पर लगा दिया है। और फिर हम थोड़े थोड़े शॉर्ट्स लेते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी तरह से सारी चीजों को दिखा पाए। हेलो नमस्ते, हम आज गणपति लेने आए। अब भगवान श्री गणेश की मूर्ति का चयन शुरू होता है। इसके लिए हम पहुंच जाते हैं हमारे धोखेबाज दोस्त की दुकान में, जहां पर हमारा कुछ वाद विवाद होता है उसके साथ। दोस्त होने के नाते दोस्त की दुकान पे आए हम गणेश जी लेने के लिए, लेकिन दोस्त ऐसा निकला कि तीन मूर्तियां पसंद कर चुके और तीनों मूर्तियां उसने ग्राहक को डबल रेट में बेच दी। देनी है हमको, ग्राहक की कोई इज्जत नहीं। तो इस तरह से हम फिर एक एक गणेश जी देखते हैं। हालांकि हमने उससे मूर्ति नहीं खरीदी, हालांकि इससे तो हमने मूर्तियां नहीं खरीदी, लेकिन ये हमारा दोस्त है और दिल का काफी अच्छा है। तो आप चाहें तो इससे ले सकते हैं। हर साल इनकी दुकान लगती है कोलार में, लव्या आर्ट नाम से। तो हमने यहाँ पर हमारी एक मूर्ति फाइनल करी और ये हम आप देख सकते हैं हमारे मंदिर में आखिरकार गणेश जी सज चुके हैं। अब गणेश जी के आसपास फूलों की सजावट और एकदम फिनिशिंग लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा गणेश पंडाल तैयार है। देखिए कैसे थोड़े थोड़े प्रयासों से हमने घर पर भी एक सुंदर भव्य पंडाल बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सजावट की तस्वीर हमारे साथ शेयर करें। गणपति पप्पा मोरिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।